हेलो ਕਿੱਦਾਂ ਜੱਟੀਏ? ਉਹ ਮੇਰੀ ਫੋਟੋ ਮਿਲ ਗਈ। ਹਾਂਜੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਹਾਏ ਵੇ ਚੱਟਾ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੈਨੂੰ? ਇੰਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੁਝ ਖਾਂਦਾ ਪੀਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਤਾਜ਼ਾ ਮੱਖਣ ਕੱਢਦੀ ਸੀ ਤੇ ਤੂੰ ਖਾਂਦਾ ਸੀ, ਤਾਜ਼ਾ ਤਾਜ਼ਾ ਦੁੱਧ ਪੀਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਜ਼ਾ ਹੀ ਜੂਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਆਵੇ, ਤੇਰੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਤਾਜ਼ਾ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਲੈਂਦਾ। ਹਾਏ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂ। ਤਾਜ਼ਾ ਮੋਬਾਈਲ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਰੱਖੇ। यहाँ पर आप मेरे पीछे देख रहे हैं, यहाँ की समाजी सियासी और हर लिहाज से मजहबी जो तनजीमें हैं वो यहाँ इस प्रोग्राम में मौजूद हैं। उनके साथ हम बातचीत करेंगे और मुहब्बे वतन पाकिस्तानियों के ख्यालात हैं जो वो आप तक पहुँचाएँगे। तो अभी अपने मेहमानों की तरफ चलते हैं और उनके कमेंट्स आज के दिन की मुनासिबत से आप तक पहुँचाते हैं। आज 23 मार्च का दिन है। 23 मार्च का वो दिन है जिस दिन बरसगीर पाको हिंद में जिसने तारीख का दारा बदल दिया और बरसगीर पाको हिंद के नक्शे पे एक नई इस्लामी ममलकत के नाम से एक नई रियासत का क्याम अमल में आया। तो हम उनकी कुर्बानियों, उन शुदा, उन हमारे लीडरान जो इन्होंने ये कोशिशें की जिनकी वजह से आज हम एक आज़ाद मुल्क में रह रहे हैं, उनको खराज तहसीन पेश करने के लिए आज का दिन हम जोशो खरोश से मनाते हैं। तो मेरी दुआ है कि आइंदा भी जितने जो भी हमारे हैं बच्चे आइंदा मुस्तकबिल में वो भी इस दिन को इसी तरह मनाएं, क्योंकि जो जिंदा कौमें होती हैं वो अपने कौमी त्यौहार को इसी तरह खुशी और जज्बे से मनाया करती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। 23 मार्च के हवाले से हम ये कहेंगे कि पाकिस्तान की जो तारीख थी वो 23 मार्च को जब चल रही थी 1940 में, तो उस वक्त भी ये वलवला और जोश था, और जो आज उस जोश और वलवले की ज़रूरत है। मैं यही कहना चाहूँगा कि सबसे पहले तो पाकिस्तानी कौम को जो कल हमने मैच जीता एशिया कप, उसकी बहुत बहुत ज़्यादा मुबारक हो। और ये कि ये 23 मार्च का दिन हम हर साल सिर्फ इसलिए मनाते हैं कि हम नए ज़्यादा से ज़्यादा जोश और वलवले से हम पाकिस्तान को आगे लेकर चलें, और अपनी आने वाली नस्लों को हम ये बताएं कि हमारे जो असलाफ थे उन्होंने किस तरीके से पाकिस्तान की तारीख में अपना हिस्सा डाला और किस तरीके से पाकिस्तान जो है वो बना। आज का दिन 23 मार्च यौम पाकिस्तान जो हर साल की तरह इस साल भी हम मना रहे हैं, मैं सब पाकिस्तानियों से रिक्वेस्ट है कि आप इस साल को सेलिब्रेट करें, पाकिस्तानियों का साथ दें और पाकिस्तान के बारे में सोचें। पाकिस्तान में रहने वाले उन फौजियों की खिदमात को याद रखें जिन्होंने हमें ये दिन मनाने के लिए ऐसी दास्तानें दी जिन्हें हम भुला नहीं सकते। अल अरशद हुसैन टेलीविज़न, विनस टेलीविज़न, ग्रीस। अल हाफिज। आज करारदाद पाकिस्तान, आज कौमी यकजहती का दिन है और आज हमने ये अहद करना है कि कल हमारे बुज़ुर्गों ने जो तहदीद अहद के तहत पाकिस्तान हमें दिया था, आज हमने उस पाकिस्तान को बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करनी है और हमने आज पाकिस्तान को बचाना है। हम तो मर जाएंगे ऐ अर्ज़ वतन, लेकिन तुमको ज़िंदा रहना है क़यामत की सहर होने तक। ये वतन हमारा है, हम हैं पासबाँ इसके, ये चमन हमारा है, हम हैं नगमहाँ इसके। तो आज 23 मार्च है, बड़ा प्यारा दिन है, बड़ा प्यारा मौका है, सभी दोस्त अहबाब हाजिर हैं, तो प्रोग्राम होगा इंशाल्लाह, हम भी हाज़िर हैं और खुशियाँ हैं पाकिस्तान के इस अजीम दिन पर। तो तमामी मुसलमान भाइयों को इस अजीम मौके पर पाकिस्तान जश्न आज़ादी मुबारक। आज का दिन यौम पाकिस्तान हमें जोश व जज्बा और हिम्मत अदा करता है कि हम पाकिस्तानी बरादरी सब मिलकर पाकिस्तान के लिए इसकी तरक्की में अपनी खिदमत पेश करें। पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ यूनान की तरफ से यौम पाकिस्तान सब पाकिस्तान भाइयों मेरी तरफ से, और आओ आयद करें कि अपने मुल्क की तरक्की और इसके फलाह के लिए काम करें। पाकिस्तान मुस्लिम लीग की तरफ से सब भाइयों को अस्सलाम वालेकुम। मेरी तरफ से सब पाकिस्तानियों को यौम पाकिस्तान मुबारक हो। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला के फजल व करम से हम यूनान की सरजमीन पर आज यौम पाकिस्तान मनाने के लिए सब पाकिस्तानी यहाँ पर जमा हैं। यहाँ पर सालाना हर साल सफारतखाना पाकिस्तान के प्लेटफार्म से 23 मार्च इंतहाई तो उसको एहतशाम से मनाया जाता है, और मैं
तमाम सुनने वालों को यौम पाकिस्तान की मुबारकबाद पेश करता हूँ और दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व ताला हमारे वतन अजीज़ को हमेशा सलामत रखे और हमारा परचम जो है वो दुनिया के परचमों में हमेशा सरबुलंद रहे। आमीन सुमा आमीन। 23 मार्च 1940 को करारदाद पाकिस्तान मिंटो पार्क लाहौर में मंजूर हुई। पाकिस्तान की तामीर और इसकी बुनियाद का ये बुनियादी दिन था। इस मौके पर मैं तमाम पाकिस्तानियों को मुबारकबाद देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि हम सब लोग इस दिन इस अहद की तजदीद करेंगे जो इस पाकिस्तान को बनाते वक्त हमने अपने आप से और पाकिस्तान के साथ किया कि इस मुल्क के अंदर इंसाफ और हुकूक की सरबुलंदी होगी, इस्लाम का बोलबाला होगा। मैं उम्मीद रखता हूं कि हम सब अपने अहद पर पूरा उतरने की भरपूर कोशिश करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज यौम पाकिस्तान के हवाले से मैं तमाम पाकिस्तानियों को 23 मार्च के हवाले से मुबारकबाद का पैगाम देता हूं और ये अहद तजदीद का दिन है जो हमें पाकिस्तान की सूरत में मिला। हमें कोशिश करनी चाहिए कि आज हम अहद तजदीद करें कि हम पाकिस्तान की सरहदों की और पाकिस्तान की हिफाजत और पाकिस्तान के साथ अपनी मोहब्बत का इजहार करें। और जिस मसले के लिए ये मुल्क बनाया गया था ला इलाह के नाम पे, तो हमें उसकी भी पासदारी करनी चाहिए, ना कि हमें ये तकरीरें करनी चाहिए हर साल 23 मार्च को कि करारदादे पाकिस्तान जो पेश की गई और ये हुआ वो हुआ, बल्कि हमें अमली इसे अमली जामा पहनाना चाहिए ताकि हम दुनिया को दिखा सकें कि पाकिस्तान जिसके कलमे के नाम से जो बना था, जिसकी वजह से ये मारज़ वजूद में आया था, हम उसके साथ हैं और उसकी पासदारी करते हुए इसकी खुशहाली इसके तरक्की के लिए भरपूर कोशिश करें। मेरी तरफ से तमाम अहले पाकिस्तान को और बिलखसूस जो यहाँ पाकिस्तानी बसते हैं उनको यौम 23 मार्च का जो प्रोग्राम है वो मुबारकबाद पेश करता हूँ। ये एम्बेसी का बड़ा अच्छा कदम है जिसकी वजह से पाकिस्तानियों को अपने जो त्यौहार हैं उनसे आगाही मिलती है और तहरीके जो करारदाद पाकिस्तान है जिस मकसद के लिए पाकिस्तान का क़याम अमल में लाया गया था, तो पाकिस्तानियों को बिलखसूस और हमारी जो कौम है उसको सोचना चाहिए कि जो हमारे बड़ों ने जिस मकसद के लिए पाकिस्तान को हासिल किया था, जो उन्होंने अपनी कुर्बानियाँ दी थी, क्या हम उस मकसद की तरफ रवा दवा हैं, और अगर नहीं तो हमें इनकी तरफ सोचना चाहिए और पाकिस्तान जिस मकसद के लिए बनाया गया था उसी पर अमल करना चाहिए। यही हमारा पैगाम है और मिन्हाजुल कुरान का भी यही पैगाम है। शुक्रिया। मेरी तरफ से तमाम पाकिस्तानी कौम को आज की यौम आज़ादी मुबारक हो। आज का दिन यहाँ पे यूनान में हम तमाम पाकिस्तानी अपनी कम्युनिटी के साथ और पाकिस्तान एम्बेसी ये अरेंज किए हुए प्रोग्राम हम गठे बैठे हुए हैं तमाम लोग, और ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि यहाँ दियार गैर में हम सब जो हैं एक जगह एक प्लेटफार्म पे गठे बैठे हुए हैं, और मेरी तरफ से हमारी तमाम पाकिस्तानी कौम को आज का दिन मुबारक। हम अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज तिलावत कलाम पाक से करते हैं और तिलावत कलाम पाक के लिए मैं दावत दूंगा कारी इलियास साहब से कि वो स्टेज पर आकर तिलावत फरमाएं। मैं आप सब का तहे दिल से खुश आमदेद कहता हूँ। आज हम सब यहाँ इस मकसद के लिए इकट्ठे हुए हैं कि इस अहद की तजदीद करें जो कि हमारे आबाओ अजदाद ने 23 मार्च 1940 को एक करारदाद के पास होने की शक्ल में की थी।
हमें अल्लाह ताला का बेहद शुक्रगुजार होना चाहिए कि करारदाद पाकिस्तान के पास होने के 7 साल की जद्दोजहद के बाद अल्लाह ताला ने हमें एक आज़ाद मुमलिकत से नवाजा। मैं अब दरख्वास्त करूंगा सफीर पाकिस्तान जनाब इरफान रहमान साहब से कि वो आकर सदर और वजीर आज़म पाकिस्तान के पैगाम पढ़कर सुनाएं। 72 साल कबल आज के दिन बड़े ज़गीर के मुसलमानों ने एक करारदाद के जरिए अपने लिए एक अलहदा मादर वतन के हसूल का बाकायदा अहद किया। अल्लाह ताला की मदद और कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और हमारे आबा अजदाद की वलवला अंगेज और दिलेराना जद्दोजहद के से बड़े ज़गीर के मुसलमान 7 साल के कलील अरसे में एक ऐसी मुमलिकत मार्ज वजूद में लाए जहां जमहूरियत होगी। यही है रक्त सफ़र मीरे कारवां के लिए। ये सारी खूबियाँ और सारी निशानियाँ हमारे महबूब कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह में पाई जाती थी। और हालत ये थी क़यादत पर जब कारकुनों को और आवाम को इस कदर इत्माद हो जाता है कि ये क़यादत फैसला दिन के उजाले में करे या रात के अंधेरे में करे, ये फैसला हमारे हाथ में बेहतर होगा। जब क़यादत पर इस तरह का जो है वो यकीन हो तो फिर ये होता है कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना अलैह रहमत, आप अगर इंग्लिश जुबान में भी स्पीच कर रहे होते थे तो वो जिम्मेदार किस्म के लोग, खेती बाड़ी करने वाले जिनको बिल्कुल इंग्लिश का कुछ इलम नहीं होता था, तो वो भी कायदे आज़म की गुफ्तगू सुन के आश्चर्य कर रहे होते थे। मुल्के पाकिस्तान का रमजानुल मुबारक के महीने में मिलना और 27वीं शब को मिलना भी एक हमें जेनों के ऊपर एक चीज दस्तक देती है। अल्लाह फरमाता है कि ये कोई मामूली चीज नहीं है पाकिस्तान में रहने वालों, ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है क्योंकि कुरान का नुज़ूल भी मैंने 27वीं शब रमजानुल मुबारक के महीने में ही किया था। हज़रात इकरामी, दुनिया के नक्शे पर ये दूसरी रियासत है पाकिस्तान जो हिजरत के जीवन में, हिजरत की वजह से मौजूद है। हम तो मर जाएंगे ऐ अर्ज़े वतन, लेकिन तुमको जिंदा रहना है तुझे क़यामत की सहर होने तक। करदाद पाकिस्तान और मुसलमानों के उस बलबले का ताल्लुक है कि जिसके तहत कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह की गैर मुतज़लज़ल और बेबाक क़यादत ने हुसूल पाकिस्तान को मुमकिन बनाया। तेरी तवालत शान आज़म, तहरीर हुई तकदीर अमम, सर पे सजाए सब्ज अलम, वादत अजमत आन है तुम। पाकिस्तान जिंदाबाद। ईमान हो ऐसा करम, हकीम
ਜੱਟੀਏ
ਉਹ ਮੇਰੀ ਫੋਟੋ ਮਿਲ ਗਈ। ਹਾਂਜੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਹਾਏ ਵੇ ਚੱਟਾ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੈਨੂੰ, ਇੰਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੁਛ ਖਾਂਦਾ ਪੀਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਤਾਜ਼ਾ ਮੱਖਣ ਕੱਢਦੀ ਸੀ ਤੇ ਤੂੰ ਖਾਂਦਾ ਸੀ, ਤਾਜ਼ਾ ਤਾਜ਼ਾ ਦੁੱਧ ਪੀਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਜ਼ਾ ਹੀ ਜੂਸ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਆਵੇ ਤੇਰੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਤਾਜ਼ਾ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਲੈਂਦਾ। ਹਾਏ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂ। ਤਾਜ਼ਾ ਮੋਬਾਈਲ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਰੱਖੇ।